गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज योर EVS क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 ऑफ EVS विच इज बिल्डिंग इन द लोकेलिटी. अभी तक हमने कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, जैसे स्कूल, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिस. अब हम नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वो पंचायती घर, उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? पंचायती घर. तो हम स्टार्ट करते हैं. यू हैव रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत इन द प्रीवियस क्लास. आप लोगों ने विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे. अ विलेज पंचायत सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज. अब विलेज पंचायत का क्या काम रहता है? विलेज पंचायत का काम ये रहता है कि उस विलेज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं? उसे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए. द विलेज पंचायत होल्ड इट मीटिंग इन अ बिल्डिंग कॉल्ड पंचायत घर. अब जो विलेज पंचायत की जो मीटिंग होती है सारी, वो कहाँ होती है? पंचायत घर में, एक बिल्डिंग में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंचायत घर. द पंचायत घर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द विलेजर टू राइज देयर प्रॉब्लम्स. पंचायत घर क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ विलेजर्स क्या कर सके? अपनी प्रॉब्लम को बता सके. मतलब उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस बिल्डिंग में जाके उनकी मीटिंग अटेंड करके वहाँ अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं. उसके बाद जो पंचायत है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए. इवरी पंचायत हैज़ ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका. हर पंचायत में क्या होता है? एक ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाज होती हैं. दे एडवाइज द विलेज पीपल अबाउट वेरियस वे ऑफ इम्प्रूविंग देयर क्रॉप याड. वो क्या एडवाइस करते हैं? वो लोगों को एडवाइस करते हैं, जो विलेजर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप कैसे अपने क्रॉप याड को बढ़ा सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो. ऑल द एक्टिविटी ऑफ ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका आर ऑपरेटेड फ्रॉम द पंचायत घर. अब जो ग्राम सेवक और ग्राम सेविका की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो वर्क करते हैं, वो कहाँ से ऑपरेट होता है? पंचायत घर से ऑपरेट होता है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट हेडिंग हमारा है रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन तो लगभग सब बच्चों ने देखा होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग. द स्टेशन, द रेलवे स्टेशन इज द प्लेस वेयर ट्रेन अराइव एंड डिपार्ट. रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेन क्या करती है? आती है और जहाँ से जाती है. पीपल बोर्ड ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन. लोग रेलवे स्टेशन जाके क्या करते हैं? ट्रेन में बैठते हैं, मतलब ट्रेन पकड़ते हैं. आपको अगर ट्रेन में बैठना है या ट्रेन से कहीं जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा. द ट्रेन कैरी देम टू डिफरेंट प्लेसेस. ट्रेन उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक क्या करके ले जाती है? मतलब ट्रेन से वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ट्रेवल कर सकते हैं. वी शुड टेक प्रॉपर टिकट फॉर अ रेलवे जर्नी. वी शुड इंटर द रेलवे स्टेशन ओनली आफ्टर गेटिंग प्लेटफॉर्म टिकट. अब अगर हमें कोई भी जर्नी करनी है बाय ट्रेन तो हमें क्या करना पड़ेगा? जर्नी टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जर्नी टिकट लेनी पड़ेगी. और अगर हमें प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करनी है तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा. कैन यू नेम फाइव थिंग दैट यू सी एट अ रेलवे स्टेशन. वी शुड कीप द रेलवे स्टेशन नीट एंड क्लीन. अब ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐसी पांच चीज़ों के बारे में बताना है. कैन यू नेम फाइव थिंग दैट यू सी एट द रेलवे स्टेशन, जो आपने रेलवे स्टेशन में देखी हो. तो जैसे हो गया, क्या हो गया? पांच चीज़ें, ट्रेन हो गया, क्लॉक हो गया, या बेंचेस हो गई, शॉप्स हो गई. ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के नेम्स बताने हैं. और रेलवे स्टेशन को हमें हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. तो हमने अभी दो टॉपिक्स पढ़े, पंचायती घर और रेलवे स्टेशन. आई होप आप सभी को चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.